students today we are going to discuss pteridophytes now uh, you have already seen that plant kingdom is further divided into cryptogams and phanerogams or cryptogams are their non flowering and non seed bearing plants which can further be divided into thalophyta, bryophyta and pteridophyta on the other hand we have phanerogams which are divided further into gymnosperms and angiosperms so right now we are going to do pteridophytes in detail

represented by 400 genera and 10500 species both living and fossils plant body is sporophytic, differentiated into stem root and leaves mature sporophyte is nutritionally independent of gametophyte Teratophytes show much variation in form size and habitat small animals like azolla and salvinia then they are also large perennial trees like angioteris Most of the living pteridophytes, they are terrestrial. They are terrestrial plants. They are the first terrestrial plants to possess vascular tissue, xylem and phloem. You know that xylem phloem jo hai, wo basically vascular bundles, hai, vascular tissues hai, jo जाइलम जैसे जो फूड वाटर uh, को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और जो फ्लोएम है वो फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है तो इससे पहले जो दो डिविजन हमने देखी थी वर थेलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा दे डू नॉट हैव द दिस वेस्कुलर टिश्यू ये पहले ऐसे प्लांट्स थे एवोल्यूशन के दौरान जब हम कहेंगे तो ये जो आ, हैं ये पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें वेस्क टिश्यूज था एंड फ्लोएम वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और जो फ्लोएम होता है वो फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है इससे पहले जो डिवीजन हमने दिया ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा उनके अंदर ये वेस्किल टिश्यू नहीं था सो इट इज प्रेजेंट ओनली इन आई मीन दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू प्रोजेस्टीज तो इनको एक तरह से रेप्टाइल्स भी कहा जाता है ऑफ प्लांट किंगडम Uh, हमने ब्रायोफाइटा की बात की थी उनको एम्फीबियंस कहा जाता है इनको क्या कहा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को uh, इनको बोला जाता है रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम क्योंकि ये वाटर के बिना ग्रो कर सकते हैं दे आर फाउंड इन कूल डैम शेडी प्लेसेस दो सम में फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन ऑल्सो अब हमने ये कहा, कहा है उसका एक सिग्निफिकेंस सिग्निफिक फर्टिलाइजेशन वाटर इज रिक्वायर्ड लेकिन ये ग्रो कर सकते हैं ऑन uh, लैंड मेन प्लांट बॉडी इज पोरोटेड इन टू ट्रू रूट स्टेम एंड लीव तो इनमें हमें प्रॉपर रूट स्टेम लीव दिखाई देती है अभी तक जब हमने देखा था तो जो थेलोफाइटा था वो एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर था उसमें कुछ भी ऐसा नहीं आ, समझ में आता था देन वी है हमने कहा था कि ट्रू रूट स्टेम लीव नहीं है रूट लाइक स्टेम लाइक लीव लाइक स्ट्रक्चर टोफाइट जो हैं इनके अंदर प्रॉपर ट्रू स्टेम रूट एंडियटेड well और जो इनकी लीव रहती है टेरिडोफाइटा की वो स्मॉल होती है जैसे की जहां पर माइक्रोफिल्स कहते हैं और लार्ज होती है फल्स में जहां इनको माइक्रोफिल्स कहते हैं तो बेस्ड ऑन द लीव स्ट्रक्चर दे आर क्लासिफाइड इन माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स एंड माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट माइक्रोफिलिस्टाइड्रोफाइट्स जो होते हैं सिंपल लीफ विद सिंगल वेन एंड नो लीफ कैप फॉर्मेशन एग्जांपल है इसका लाइकोपोडियम और मैक्रोफिलिस्ट है जो लार्ज पिनेटिफाइड लीव्स हैविंग कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ वेन्स एंड दे फॉर्म प्रोमिनेंट लीफ गैप इन द स्टेम स्टील लाइक टेरेस Sporophytes बेस sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. इन सम केसेस जो हमने बात की uh, केसेस तो के अंदर जो जो स्ट्रोबेरी और कोम इसका भी एग्जाम्पल से लेला है और इक्विस्ट में ये देखो ये इस तरह से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको स्ट्रोबेरी कहते हैं फिर प्रोड्यूस बाई मेल्स May be, may into cone, जो बात की, जैसे की और ये लाइकोपोडियम हम देख सकते हैं या फिर ये यूनिफॉर्मली uh, डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है जैसे कि टेरिस और एडियन के अंदर इन एकटिक फॉर्म्स फॉर एग्जाम्पल सालवेनिया एंड मास

हेट्रोस्पोरस होता है जब टू टाइप्स अलग अलग type, उनका साइज भी अलग है एक लार्ज है और एक स्मॉल है ये आप देख सकते हो मेगास्पोर जो है इज लार्ज और, और यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजियम है दैट इज स्मॉल इन साइज ये बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं The spores germinate to give rise to inconspicuous, small but multicellular फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिकेमिटो कॉल्ड एज प्रोथेलस इनको जो यहाँ पे गेमिटोफाइट जो बनता है वो फोटोसिंथेटिक होता है लेकिन मल्टी सेलुलर है फ्री लिविंग है और इसे प्रोथेलस कहा जाता है दीज केमिटोफाइड्स रिक्वायर कूल डैम शेडी प्लेसेस टू ग्रो बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट

Then, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये देखो लाइक स्ट्रक्चर हार्ट लाइक स्ट्रक्चर है इसका और होमोस्पोरस टाइप प्रोथेलिस सिंपल ग्रीन हार्ट शेप्ड होते हैं होमोस्पोरस स्पीशीज जो हैं ये मनीशियस हैं यानी कि इनके अंदर एंथीडिया एंड आर्किगोनिया जो हैं वो सेम प्रोथेलस पे पाए जाते हैं

फ्यूजन ऑफ मेल विद गेमी एग प्रेजेंट इन आर्किगोनियम रिजर्व इन द फॉर्मेशन ऑफ तो ये नॉर्मली जैसा प्लांट्स के अंदर होता है मेल गेमीट है वो मूव करके जाता है टू द फीमेल गेमीट और वहां पर उन दोनों का जब फ्यूजन होता है तो उससे बनता है प्रोड्यूस करता है एक मल्टी वेल डिफ्रेंशिएटेड फोरोफाइट डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफ तो टेरिडोफाइट्स का डोमिनेंट फेज है बाय फ्यूजन ऑफ के मीट विद इन मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स, ऑल द स्पोर ऑफ सिमिलर काइंडीन्सर प्लांट अर कॉर्ड होमोस्कोरस

किस तरह के प्लांट्स में है सेलजनेला और सालवेनिया ये दो तरह के प्लांट्स वो बनाते हैं स्पोर्स बनाते हैं उनको हम कहते हैं मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये जर्मिनेट करते हैं और मेगास्कोल है वो फीमेल गेमिटोफाइट को राइज दे गिव राइज टू फीमेल गेमिटोफाइट जबकि जो माइक्रोस्पोर्स हैं दे विल गिव राइज टू मेल गेमिटोफाइट और जो फीमेल गेमिटोफाइट हैं वो पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर ही रहते हैं अलग-अलग प्लांट्स -अलग के अंदर वो अलग-अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो पेरेंट्स स्पोरोफाइट के ऊपर रहेगा द डेवलपमेंट ऑफ द zygotes इनटू द यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट और ये जो इवेंट रहता है ये सीड हैबिट के लिए uh, एक पहले होता है और ये एक एवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है तो अब हमने देखा कि जो वाटर है वो फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है जो एग और से ये इन्होंने मिलकर फ्यूज करके बनाया था फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट होता है और ये डिवाइड करता है टू फॉर्म एम्ब्रियो और जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें टिपिकल ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रहता है मेन प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफाइट होती है विच इज ऑल्सो द डोमिनेंट फेज और लेकिन जो सेपरेट और इंडिपेंडेंट केमिटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक जनरेशन है दैट मीन जो स्पोरोफाइट है और जो गैमिटोफाइट है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है किसी भी तरह से तो ये सब चीजें हमने देखी हैं इसके अंदर ये मैं एक थोड़ा सा रीकैप दे देती हूँ स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर्स को क्रिएट करता है बनते हैं वहां पर और ये हेप्लॉयड स्पोर्स जब सॉइल में गिरते हैं तो इन हेप्लॉयड स्पोर्स से गेमिटोफाइट ग्रो करता है सॉइल के अंदर ये प्रोथेलस जो आप देख सकते हो इसके राइजोइड्स हैं यहाँ पे इसके होता है यहाँ पे आर्किगोनियम होता है इसका तो जो स्पर्म्स हैं बेसिकली ये एंथ्रीडियम से मूव करते हैं दे गो टूवर्ड्स द आर्किगोनियम और वहां जाकर जो आर्किगोनियम के अंदर फीमेल गेमिट होता है उसके साथ फ्यूज कर जाते हैं फिर वो जो जायोड है उससे डिप्लॉयडोड होता है आपको पता है तो डिप्लॉय स्पोर, से स्पोरोफाइट ग्रो करता है। सो दिस इज अगेन यू कैन से रिकैप आप देख सकते हो तो स्पोरोफाइट है स्पोरोफाइट से स्पोर्स बन रहे हैं माइक्रोस्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल मै, uh, में माइक्रोस्पोर्स मेगास्पोर्स दो, दोनों ही हेप्लॉयड हैं इनसे माइक्रोस्पोर से मेल गेमीट बन रहा है मेगास्कोर से फीमेल गेमीट बन रहा है और फिर ये जो फीमेल गेमीट और जो मेल गेमिट्स हैं बेसिकली एंथी और एग ये फ्यूज करेंगे टू फॉर्म जाएगोड, जाएगोड फिर आगे फर्दर डेवलप करता है इनटू एम्ब्रियो ये देखो जय तो डिप्लॉयड है और फिर ये भी डिप्लॉयड है इससे स्पोरोफाइट बनता है यंग स्पोरोफाइट एंड फाइनली दिस इज तो ये सारा का सारा आपका डिप्लॉयड स्टेज है ठीक है ना और यहाँ से जब स्पोर्स बनते हैं तो वो स्पोर्स मियोसिस के थ्रू बन रहे हैं एंड दे आर दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल्टरनेशन जो हो रही है तो और ये दोनों स्टेजेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं एक दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेती हूँ टेडोफाइट नॉन फ्लाइंग प्लांट्स हैं और इनका जो रिप्रोडक्शन है दैट इज बेसिकली थ्रू स्पोर फॉर्मेशन मॉइस्ट प्लेस में के अंदर ये पाए जाते हैं मॉइस्ट प्लेस की जो सिग्निफिकेंस है, है, है इनको कहा जाता है टेरिस्ट प्लांट्स क्योंकि इनके अंदर क्या होता है जो वेस्कुलर टिश्यू है विच इज आयलम एंड फ्लो वो इनके अंदर प्रेजेंट रहता है इसलिए दे कैन ग्रो ऑन लैंड इनको रेप्टाइस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है फॉर द सेम रीजन बिकॉज दे कैन ग्रो आउट ऑफ द वॉटर फॉर

स्पोर्स जो फॉर्म होते हैं दे आर फॉर्म इन स्पोरोफिल्स विच कैन बी माइक्रोस्कोरो विच एग्जाम्पल्सला और दे आर द माइक्रोस्कोरोफिल्स एग्जाम्पल इज फर्न जिनके बड़े बड़े पत्ते रहते हैं माइक्रोस्कोरोफिल्स होते हैं जिनके पत्ते बड़े रहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स जिनमें छोटे पत्ते रहेंगे और कई बार क्या होता है जो इनके जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं जो लीव्स हैं छोटे छोटे लीव्स हैं ये कई बार कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाते हैं तो उस टाइम पे इसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी स्ट्रोबिली स्ट्रोबेलस या कोन कुछ भी तो कहते हैं इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं राइट right? तो इसका एग्जांपल भी शैलाजिनेला ही होता है तो इसमें बेसिकली अब आप लेके चलो कि भई जो इसका गेमेटोफाइट है वो प्रोथैलस है दैट इज फोटोसिंथेटिक ग्रीन इन कलर ऑल स्ट्रक्चर को प्रोथैलस कहा जाता है वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करता है तो नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट इज द जिस पर हम हमने जो बात की स्पोरोफाइट फेज की बात की कि टेरिडोफाइटा के अंदर फर्न ने एग्जांपल दिया उसका डोमिनेंट स्टेज स्टेज है दैट इज अ उसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो उसमें जो स्टेम होती है स्टेम इज वो नीचे ग्राउंड के नीचे रहती है अंडरग्राउंड स्टेम होती है और उसके ऊपर जो उसके रूट्स होते हैं दे आर कॉल्ड राइजोम एडवेंटिशियस रूट्स हैं ऊपर जो उसके आप स्ट्रक्चर देख रहे हो आर एक्चुअली द लीव्स ये स्पोरफाइट के लीव्स होते हैं और ये इनके लीफलेट्स ये छोटे छोटे पार्ट जो आप देख सकते हो ये लीफलेट्स हैं और यहाँ पे जो को ये स्ट्रेट है और जो इसके छोटे लीव्स रहते हैं दे आर कॉइल्ड और उनको हम बोलते हैं फ्रॉन्ड तो ये इनको हम फ्रॉन्ड कहते हैं और फिर आप देखोगे कि जो बेसिकली ये जो फ्रॉन्ड है अगर आप इसको स्ट्रक्चर देखोगे तो इसके जो नीचे के साइड पे वहां पे सोरी स्ट्रक्चर रहता है और सोरी या सोरस अगर एक हम कह लें तो उसके अंदर ही स्पोरेंशियम होते हैं तो ये स्ट्रक्चर है अगर इसको एनलास्ट व्यू देखा जाए तो स्पोरेंजियम यहाँ पे इसके आपको दिखाई दे रहे हैं दीज आर द स्पोरेंजियम और ये जो स्पोरेंजियम को अगर मैं एक स्पोरेंजियम को हम ये एनलार्ज उसका वो देखते हैं तो ये स्पोरेंजियम का फॉर्म है नीचे का इसका स्टॉक है ऊपर के जो ये इसके सेल्स हैं उसमें ये साइड जो है थिक वॉल्ड सेल्स हैं और यहाँ पे जो है वो थिन वॉल्ड सेल्स हैं जिनको स्टोमियम कहा जाता है यहीं से बेसिकली जो इसके अंदर स्पोर्स रहते हैं वो स्पोर्स स्पोर मदर सेल्स हैं इसके अंदर स्पोरजियम के अंदर तो वो स्पोर मदर सेल्स जो है वो अगर हम उसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये देखो स्पोर मदर सेल और ये म्यूसिस से रिडक्शन डिवीजन से देन इट फॉर्म्स अ हैप्लॉयड स्पोर्स तो यहां तक जो था इसका स्टेज था वो डिप्लॉयड था स्पोर मदर सेल्स तक लेकिन म्योसिस डिविजन होकर वो, हो वो स्पोर्स जो है वो हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं एंड देन दे ग्रो इन टू द तो नेक्स्ट में जाती हूँ अगर इसकी गेमिटोफाइट स्टेट को मैं अगर डिस्कस करूँ तो गेमिटोफाइट के अंदर स्पोर्स मदर सेल से हुआ स्पोर्स बने स्पोर्स जो है छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है उसका विच इज नोन एज प्रोथेलस ये अगर प्रोथेलस का हम स्ट्रक्चर देखें तो प्रोथेलस के अंदर नीचे राइजॉयट हैं उनके रूट्स हैं और यही ये वेंटर साइड है बेसिकली ठीक है तो जो भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं अभी हमने देखा स्पोरोफाइट के लिए देखा और यहां पे हम देख रहे हैं, सारे के सारे आपको कहा दिखेंगे ये सारे आपको वेंटर साइड पे दिखेंगे ऑफ द लीफ तो ये है उसका एंथरीडिया है मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं और ये ऊपर आर्की है विच आर द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अब एंथरीडिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर फोर सेल्स होते हैं आर फोर सेल्स जो कि उसके नीचे बेस के नीचे की तरफ यहाँ पे अरेंज रहते हैं तो वहां पर उसमें फिर एक बेसर सेल होता है उसके नीचे फिर रिंग सेल्स होते हैं और फाइनिंग सेल होता है और लिट सेल के अंदर ही जो है उसके ये जो मेल गेमिट्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं और ये मेल मेट्स स्पर्म जो है ये बेसिकली आप उस स्ट्रक्चर देख सकते हो जो कि उसमें से निकलता है जब वो लेड उसका खुलता है तो उसमें से निकलता है राइट अब ये स्ट्रक्चर जो है दिस इज आर्किगोनिया जो आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर है वो ऐसे है इसका स्ट्रक्चर ऊपर वेंटर है और नीचे नेक है तो इसके अंदर ही एग सेल रहता है और ये जो जब फ्यूज करता है बेसिकली जब ये एग सेल के साथ इस बर्म आके फ्यूज करता है तो इसको दो चीजें चाहिए अब दो चीजें कौन सी चाहिए होती हैं इसको एक तो हमने बात किया था कि वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन तो जो वाटर है वो यहां तक इसको मेल uh, गेमेज को इट विल ब्रिंग इट टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन और वहां पर वेंटर के अंदर जो एग है वहां तक लेकर आएगा पर दूसरी चीज जो है वो नेक के अंदर इसकी केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जो इसको अट्रैक्ट करेंगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट तो वो मेल और फीमेल बन फ्यूजन के बाद यहीं पे जाएगोट बनेगा और जो वो जायोड है ये देखो वेंटर के अंदर ही जायोट बनता है विच इज देन डिप्लॉयड और फिर उससे बनता है स्पोरोफाइट तो ये इस तरह से रहता है अब अगर हम देखो एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि जो ये गेमिटोफाइट है ये कहां बना है ये दिस इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट एक तो ये इनकॉन्सिक्वेंस है हमने पहले ही कह दिया ये आपको नजर भी नहीं आएगा अगर ध्यान से नहीं देखा जाएगा ऊपर से ये स्पोरोफाइट बॉडी के ऊपर ही प्रेजेंट रहता है सो इट इज देयर ओनली

इनके अंदर सीड नहीं बनेगा लेकिन इसकी जो ये प्रॉपर्टी थी यही दिस विल बी बेसिकली आप कह सकते हो कि ये इस प्रॉपर्टी की वजह से ये आगे एवोल्यूशन के अंदर सीड uh, uh, वाले प्लांट्स को जन्म देता है कि आगे जो प्लांट्स एवोल्यूशन के थ्रू आए जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्क वो इस प्रॉपर्टी की वजह से आए सो दैट इज वाई वी कॉल दिस एज दिस प्लांट एज द यू कैन से प्रीकर्सर टू द सीड, हैबिट, राइट तो नेक्स्ट अब मैं बात करने वाली हूँ क्लासेस की टेडोफाइटा के चार क्लासेस हैं सिलोप्सिडा लाइकोप्सिडा, स्वीनोप्सिडा और टेरोप्सिडा तो अगर हम इनके एग्जाम्पल्स करें तो ये इसमें आ गया साइलोटम और इधर आ गया लाइकोप्सिडा जो है लाइकोफाइटा इसका आ गया लाइकोपोडियम और आर्थरो का आ गया एग्जाम्पल इक्विस्टम एंड देन वी हैव टेरोपसीडा जिसका है, फर्स तो ये मैं आपको अलग अलग दिखा देती हूँ ये इनकी पिक्स हैं सीरोपिडा सैरोटम की पिक देख लीजिए लाइकोपीडा है उसका जो प्लांट है किस तरह से, से दिखाई देते हैंजनेला और लाइकोपोडियम ये आप देख सकते हो देन वी हैव हाँ सिनोपसीडा जिसके की इक्विस्टम आप इनकी पिक देख सकते हो एंड देन फाइनली वी हैव टेरोप्सिडा जो कि ड्राइव टेरिस टेरिस और देन वी हैव एडेंटम और जो एडेंटम है बेसिकली ये जो इसको हम बोलते हैं वॉकिंग फर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है तो ध्यान रखने वाली है क्वेश्चन आ जाता है कई बार क्योंकि इसके ऊपर से ये नहीं है कि ये वॉक करना शुरू कर देता है ऑब्वियसली देर प्लांट्स दे विल नॉट वॉक एनी हाउ क्योंकि प्लांट्स तो आपको है कि एक ही जगह पे फिक्स्ड होते हैं उनमें कोई लोकोमोशन नहीं हो सकता लेकिन वॉकिंग इसलिए कि जहां पे इसकी बर्ड्स गिरती हैं है वहीं पे नई ब्रांचेज आ जाती है तो प्रोपोगेट करता है ये उस हिसाब से तो जहां बर्ड गिरेगी वहां से नई ब्रांचेज आ जाएंगी वहां गिरेगी फिर आगे से नई ब्रांचेज आ जाएंगी तो इस तरह से क्या है क्योंकि वो नई ब्रांचेस जो आती जाएंगी तो ऐसे लगेगा कि ये वॉक करके आगे जा रहा है जबकि आगे नहीं जा रहा है ये वहीं पर फिक्स्ड है तो बट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि ये प्रपोगेट करता है इसकी ब्रांचेस आती है क्रिएट होती है बर्ड से वो आगे नए प्लांट्स बनते हैं तो इसलिए इसको एडिएंटम को वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं सो दीज आर द क्लास क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइटा एंड विद दिस बी एंड